हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू दिस क्लास गाइस। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर दैट आर जेनेटिकली यूनिक। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के गैमेटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और किसका प्रोडक्शन होता है? ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है। बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल जेनेटिकली यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो हूबहू पेरेंट जैसे होते हैं, और उनको हमने नाम दिया था क्लोन्स। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, और वो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली यूनिक होता है। सपोज ये है स्पर्म। स्पर्म को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं ओवा। दोनों ही सेल, स्पर्म और ओवा, दोनों ही सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। मींस एन इज इक्वल टू 23 एंड एन इज इक्वल टू 23। अब मेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट कैसी होती है? नॉन मोटाइल होती है, क्योंकि जो मेल गैमेट है उसके पास फ्लैजिला है, इसीलिए वो मोटाइल है। फीमेल गैमेट के पास ना ही फ्लैजिला है ना ही सीलिया है, इसीलिए वो नॉन मोटाइल है। दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे, इस स्टेप को मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, जिसमें गैमेट्स क्लोज कांटेक्ट में आके फ्यूज कर रहे होते हैं। एंड देन आफ्टर अ सेल इज फॉर्म्ड कॉल्ड जायगोट। एन नंबर एन क्रोमोसोम जो है वो मेल गैमेट से मिल रहे हैं, एन क्रोमोसोम जो है वो फीमेल गैमेट से मिल रहे हैं, और दोनों ही गैमेट्स फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जायगोट का जो नेचर है वो कैसा है? डिप्लॉइड, मींस टू है, और जायगोट ही आगे चल के डेवलप करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। जायगोट डेवलप्स टू फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? एक लाइन इसमें हम एज अ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्पन
हैप्लोइड, गैमेट्स, टू हैप्लोइड गैमेट्स जॉइन इन द प्रोसेस ऑफ In the process of fertilization to produce diploid zygote. यही अभी मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब परफॉर्म होता है तो दो गैमेट्स ज्वाइन करती हैं, जुड़ती हैं, फ्यूज करती हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और किसका फॉर्मेशन होता है? डिप्लॉइड जायगोट का। और यही जायगोट आगे चल के डेवलप करता है और क्या बनाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है? सो आंसर इज मियोसिस। मियोसिस is a type of cell division that produces gamete gametes ही एक ऐसी cell division है जो haploid gametes का formation करती है। अब इसी से रिलेटेड आज हमने सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब इसी सेक्सुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें एक फेज के बारे में पढ़ना है जो हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पैन में, और वो फेज है आपकी रिप्रोडक्टिव फेज। आपको याद होगा लाइफ स्पैन हमने डिस्कस किया था। लाइफ स्पैन में मैंने आपको 5 फेजेस बताई थी। सबसे पहले फेज मैंने आपको बताई थी बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग जिसको हम सेनेसेंस भी बोलते हैं, एंड लास्टली डेथ। ग्रोथ फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। और वेजिटेटिव फेज, क्लियर? सो लाइफ स्पैन बताने का एक छोटा सा रीजन ये है कि अभी हमको डिस्कस करना है रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, और वो आती है किसके अंदर? लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन क्या है? अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ। बर्थ से मतलब जन्म से लेकर डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन की सबसे पहली फेज है बर्थ, सेकंड फेज है ग्रोथ जिसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, ठीक है, वो मैच्योर होता है, एंड देन आफ्टर जब वो एनिमल रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल हो जाता है तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और हम इसी के बारे में जा रहे हैं डिस्कस करने। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज जो है, रिप्रोडक्टिव फेज अब ये जो फेज है ये हमें हायर प्लांट्स में आराम से देखने को मिलती है, सीन इजिली इन हायर प्लांट्स। कैसे देखने को मिलती है? जब प्लांट्स में क्या होती है? फ्लावरिंग, वेन दे कम टू फ्लावर्स। ठीक है, जितने भी हायर प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, सो हमें पता चल जाता है कि जैसे ही प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में कौन सी फेज आ गई? रिप्रोडक्टिव फेज। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो फ्लावर्स हैं वो गैमेट्स कंटेन करते हैं, मेल गैमेट भी कंटेन करते हैं और फीमेल गैमेट भी कंटेन करते हैं।
ठीक है। सो जैसे ही प्लांट में फ्लावरिंग आ जाती है, उस फेज को, उस पर्टिकुलर फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट। और ये फेज हमें इजीली देखने को मिलती है किसमें, हायर प्लांट्स में। जैसे कुछ प्लांट्स हैं एनुअल, एनुअल बाइनियल, ये जो प्लांट्स हैं बेसिकली एनुअल का मतलब है जिनकी लाइफ स्पैन, जिन जिन प्लांट्स की लाइफ साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। और जिन प्लांट्स की लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट होती है, उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? सो कुछ प्लांट्स हैं जैसे एनुअल प्लांट्स हैं, बाइनियल प्लांट्स हैं, इनमें हमें वेजिटेटिव फेज देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी देखने को मिलती है, और हमें एजिंग भी देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज। सो जितने भी प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 ईयर या 2 ईयर्स में कंप्लीट हो रही है, उनमें हमें तीनों फेजेस देखने को मिलती है। उनमें हमें वेजिटेटिव फेज भी देखने को मिलती है। वेजिटेटिव फेज वो फेज है जिसमें प्लांट में लीफ, स्टेम, रूट का फॉर्मेशन होता है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जैसे प्लांट में फ्लावरिंग आ जाती है, फ्लावर्स जनरेट हो जाते हैं, उस फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और देन आती है एजिंग, और उस फेज को हम लोग बोलते हैं सेनेसेंट फेज। सो एनुअल और बाइनियल में हमें तीनों फेजेस इजिली देखने को मिल जाती है। लेकिन पेरेनियल स्पीशीज, बट इन पेरेनियल स्पीशीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। इट इज very difficult to clearly define these phases। अब उनमें ये फेजेस, भाई देखो पेरेनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर से ज्यादा में कंप्लीट होती है, मे बी 10 ईयर, मे बी 50 ईयर, मे बी 100 ईयर। बैनियन ट्री की तो आपको मैंने बताई थी लाइफ स्पैन कितने साल की है बेटा, अभी जो प्लांट है वो है 200 to 300 ईयर्स पुराना पेड़। सो जिनकी लाइफ साइकिल 2 से ज्यादा सालों के बाद कंप्लीट होती है, ठीक है, मोर देन 2 ईयर्स, उन सारे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं पेरेनियल स्पीशीज। अब उनमें कब फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कब एजिंग आ रही है, तो उसको डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको क्लियरली डिफाइन करना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूं, एग्जांपल है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है इससे, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना को हम लोग बच्चों नीला कुरंजी भी बोलते हैं, नीला कुरंजी। अब नीला कुरंजी क्यों बोलते हैं, नीला कुरंजी इसलिए बोलते हैं, पहली चीज इन प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है 1 in 12 ईयर होती है, फ्लावरिंग 1 in 12 ईयर्स, हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है। 2006 में देखी गई थी, उसके बाद अगली फ्लावरिंग 2018 में देखी गई थी, अब नेक्स्ट पूरे 12 साल 2030 में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। कौन से महीने में फ्लावरिंग होती है, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है। किन राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, सो ये जो
नीला कुरंजी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये जो ऐसे फ्लावर्स हैं ठीक, जो हर 12 साल बाद इन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका की जो पूरी की पूरी वादियां हैं वो नीली हो जाती हैं, जो टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करती हैं अपने टूवर्ड। ठीक है, अगला है कुछ इसी का एग्जाम्पल है बैम्बू। अब बैम्बू जो है फ्लावरिंग पूरी लाइफ टाइम में एक बार करेगा, फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो फ्लावरिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक, अब कब होती है फ्लावरिंग? जनरली आफ्टर, वैसे इसका लाइफ स्पेन 100 सालों का है, फ्लावरिंग इसमें होती है बेटा 50 साल के बाद और 100 साल के बीच में, कभी भी फ्लावरिंग हो जाएगी, कोई फिक्स नहीं है। 50 साल के बाद और 100 साल से पहले या 100 साल के बीच में ही कभी भी फ्लावरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब बैम्बू जो है आता किसमें कहोगे? पेरेनियल प्लांट में। किसमें आता बेटा? पेरेनियल प्लांट में। लेकिन प्रॉपर्टी जो शो करता है किसकी करता है? आप कहोगे मोनोकार्पिक की। ठीक है ये पेरेनियल प्लांट, लेकिन फ्लावरिंग ये एक बार करता है, इसीलिए इसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं? आप कहोगे मोनोकार्पिक। ठीक है, क्लियर है? ओके बच्चों, आज का अगर आपको बेटा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।